नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोजपा रामविलास पार्टी के प्रदेश महासचिव सह रफीगंज से पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी रहे प्रमोद कुमार सिंह ने रफीगंज प्रखंड के गोरडीहा पंचायत ग्राम ओरमा में छठ घाट और शमशान घाट की तरफ कब्रिस्तान का गेट खोलने के विरोध में क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ मौजूदा स्थल पर ग्रामीणों से मिलकर कई प्रशासनिक पदाधिकारियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह कब्रिस्तान का जो गेट का मामला है, यह गेट हमेशा हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। आगे ग्रामीणों ने इन्हें सूचना देकर बिहार प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार सिंह को जानकारी देते हुए बताया कि कब्रिस्तान की घेराबंदी कर हिंदुओं का छठ घाट को शमशान घाट की तरफ गेट खोलना अनुचित है। ग्रामीणों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए एसडीओ औरंगाबाद, सीओ रफीगंज थाना, ठेकेदार से फोन से बात कर उचित कार्रवाई करने की बात की। अगर गेट बंद नहीं हुआ तो भविष्य में दो समुदायों के बीच में झगड़ा होने की संभावना है। इसके विरोध में अगल बगल से 10 गांव के लोग इकट्ठे हुए। मामला है कि यहां पे कब्रिस्तान के लिए हमारे माननीय विधायक साहब अपना फंड दिए, कब्रिस्तान का घेराव हो गया और मा गांव, इसके बाद दो गेट देना है। हमारा समाज जो है हिंदू समाज का यहाँ पे छठ घाट है और शमशान घाट है। एक गेट इनका दक्षिण की ओर से खुला हुआ है और दूसरा गेट कहीं भी वो खोल लें, लेकिन पूरब और उत्तर जहाँ पे हिंदुओं का छठ घाट और शमशान घाट है वहाँ पे हिंदू लोगों को मतलब विवाद है कि वो इधर न खोलें। कारण कि दो समुदाय के लोग वहाँ पे इकट्ठा होंगे तो अपने अपने धर्मों के लिए भविष्य में लड़ाई हो सकती है, तो उसके लिए सही है कि अभी ही इसका निराकरण हो जाए और जो इधर पूरब की ओर जो गेट खुला हुआ है वो गेट को बंद करने का पूरे ग्रामीणों का मांग है और उसके विरोध में सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमें सूचित किए, हम यहाँ पे आए और स्पॉट पर देखे कि ये जायज मांग है इन लोगों का, हमारे और मां ग्रामीणों का और इस क्षेत्र से आसपास जितने लोग आए हैं जो छठ घाट पे 10 गांव के यहाँ पे लोग आकर के अर्घ देते हैं और 10 गांवों का करीब करीब ये शमशान घाट है जो हिंदू का लोग मरता है वहाँ पे, यहाँ पे दाह संस्कार होता है। अधिकारियों से बात हुई हमारी, सीओ साहब से सुबह ही बात की है। सीओ साहब ने इस तरफ का पूरा भर के गेट को बंद करने का आदेश दिया। स्कूटी भी जो है वो जो इसके काम को देख रेख कर रहे हैं उन्होंने भी इस गेट को बंद करने का इनको आदेश किया, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो बंद करने आया ठेकेदार, अभी ठेकेदार से भी बात हुई जो इसका ठेका लिया है, वो बोले कि हम बंद कर रहे थे और कुछ अराजक तत्व जो हैं वो आ करके और हम जोर जबरदस्ती करके और वो ईंटा को जो जोड़ाई हो रहा था उसको दीवार को गिरा दिए। तो हमारी बात एसडीओ साहब से हुई, सीओ साहब से हुई, थानेदार से भी हुई और अभी स्कूटी से बात नहीं हुई है। आश्वासन मिला शनिवार को दोनों पक्ष के लोगों को बुलाए हैं और उसमें निराकरण कर देंगे और उन लोग बोले हैं कि जो हम लोगों ने वहां पे निर्णय लिया है कि ये गेट को बंद करेंगे, निश्चित रूप से ये गेट बंद होगा। यदि ये गेट शांतिपूर्वक बंद नहीं कराती है प्रशासन तो हम लोग तैयार हैं, ये गेट किसी भी हालत में पूरा भर नहीं खुलने दूंगा। वी टाइम न्यूज़ के लिए औरंगाबाद से प्रमोद सिंह की रिपोर्ट।